हॉकीचे जादूगर समजले जाणारे ध्यानचंद यांनी तीनदा सुवर्ण पदक देशाला मिळवून दिले होते। अशातच त्यांचे महान कार्य पाहता ध्यानचंद यांना मरणोपरांत त्यांना भारतरत्न बहाल करण्यात यावा अशी मागणी आता केली जात आहे। ध्यानचंद सिंह हे भारतीय हॉकी नावाजलेले खेळाडू होते। त्यांना जागतिक खेळ विश्वातील सर्वोत्कृष्ट हॉकीचे खेळाडू म्हणून ओळखले जात होते। त्यांना हॉकीचे जादूगर म्हणून सुद्धा संबोधले जायचे। त्यांनी भारताला 1928 1932 व 1936 मध्ये ऑलिम्पिक सुवर्ण पदक मिळवून दिले होते। त्यामुळेच त्यांना सरकारने भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा अशी प्रतिक्रिया झाशी येथून झाशीचे महापौर बिहारीलाल आर्या सोबतच अर्जुन पुरस्कार प्राप्त ध्यानचंद यांचे वंशज अशोक ध्यानचंद यांनी केले आहेत। आप है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त और ओलंपिक 1975 के कैप्टन अशोक सर, जो कि हम उनको मिनी ध्यानचंद सर के नाम से भी पुकारते हैं। सर, आपको क्या लगता है अमरावती जिला महाराष्ट्र के बारे में आपकी क्या राय है? सर, बहुत ही सुंदर प्रदेश है, नगर है, शहर है और महाराष्ट्र का एक ऐसा स्थान जहाँ से मैं कहूँ हमारी हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी आध्यात्मिकता वहाँ से देश के अंदर फैली है और खेलों का भी बहुत वहाँ शौक है। मेरा तो एक मैं कहूँ दूसरा घर है वहाँ, और वहाँ के सभी लोग, सभी नगरवासी खेलों के बेहद शौकीन। तो ऐसी जगहों पर इस तरह की बातों का आगे बढ़ना, ये देश के विकास की एक, मैं उसको कहूँगा कि विकास की ओर आगे बढ़ता है। जब देश के बच्चे आगे बढ़कर खेलों में और दूसरी कलाओं में अपने रुचि लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, खेल से एक है। और आज हमारे पास, हमारे साथ में इरफान भाई भी हैं अमरावती से, और विजय सुल्तान साहब भी हैं, और अमरावती की वो धरोहर जिन्होंने खेलों में वहाँ पर एक क्रांति लाए हैं साहब। इरफान भाई तो एक पहचान है अमरावती की, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आज उनका पदार्पण, उनका आना झांसी शहर में हुआ है, और झांसी शहर नहीं बल्कि ध्यानचंद की उस नगरी में जहाँ से ध्यानचंद ने हॉकी सीखी और हॉकी खेली, आगे बढ़े। और ये वही स्थान है जहाँ ये मैच चल रहा है, जहाँ पर ध्यानचंद साहब की समाधि स्थल है, जहाँ उनको उनकी रीति आखिरी जो है वो रिचुअल की थी हम लोगों ने, यही उनका संस्कार हुआ। एक बड़ा पवित्र पावर के प्रेरणा स्रोत होता है बच्चों के लिए, किस तरह आगे बढ़े, किस तरह दुनिया में उनके कितने चाहने वाले, नाम जानने वाले बने, ये सब चीज़ें को मिला के एक गेन है देश के लिए। और मैं कहूँगा अमरावती में इस तरह की बातें और आगे बढ़े, तरक्की करे, खेलों में तरक्की करे, दूसरे चीज़ों में तरक्की करे, ये मेरी के लिए गुड विशेज है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि झांसी और तमाम भारत के हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी को अभी तक भारत रत्न मिला नहीं, तो मेरा प्रश्न आपको ये है कि अभी तक भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो क्यों मिला नहीं, और उस भारत रत्न के लिए अपने झांसी की तरफ से आपका योगदान क्या है? हॉकी के जादूगर दत्ता ध्यानचंद जी की आज जयंती है, पूरा देश आज वो उनकी जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हम झांसीवासी क्या बुंदेलखंडवासी पूरी तरह से दत्ता ध्यानचंद जी की ने जो हॉकी के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान पूरी दुनिया में स्थापित किया है, हम झांसीवासी सभी बहुत ही गौरवान्वित थे। उनको 1956 में पद्मभूषण दिया गया था। वास्तव में दत्ता ध्यानचंद जी ने 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते, ये हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम से देने की घोषणा की। ये भारत का, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार, उसमें 25 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। लेकिन वास्तव में उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में जो वास्तव में कीर्तिमान
स्थापित किया है वो भारत रत्न अवार्ड के वास्तव में बात है। और हम झांसीवासी चाहते हैं, पूरा बुंदेलखंड चाहता है, पूरा भारत चाहता है कि लद्दा मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। इस संबंध में हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और निश्चित तौर पर मैं झांसी की जनता की ओर से, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता की ओर से मेयर होने के नाते आश्वस्त देना चाहता हूँ कि हम लद्दा ध्यानचंद जी, मेजर लद्दा ध्यानचंद जो भारत रत्न उनको मिलना चाहिए उसके बात है और निश्चित तौर पर उनको भारत रत्न मिलेगा। ये हम सबका प्रयास है और प्रयास निश्चित तौर पर सफल होगा।